कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 53 इन समेशन में दे रखा है एम इक्वल टू 0 to 100, ठीक है ना, और यहां दे रखा है 100 cm, ठीक है ना, और यहां दे रखा है क्वेश्चन में x माइनस 3 to the power 100 - m 10 to the power m। हां जी साहब, पहला क्वेश्चन आपके हरित पटल पे, हां भाई, आप में से जो जो भी क्वेश्चन लिखता जा रहा है क्वेश्चन फटाफट लिख ले और जल्दी से ये सोचने में डूब जाए कि ये जो क्वेश्चन के अंदर मैंने समेशन दिया है इसके बाद क्या करूं। यहां एक ऐसी चीज है जो आपने अगर दिमाग लगा लिया तो ये क्वेश्चन पूरा पूरा बच जाएगा, और अगर आपने दिमाग नहीं लगाया तो आपका क्वेश्चन भयंकर डूबेगा। गौर से देखेगा, है ना, क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मात्र एनसीईआरटी क्वेश्चन। आप ऐसे देख देख के मर जाओगे, और अगर आपको ध्यान पड़ गया कि जितनी यहां डिग्री होती है उतनी एक्स की पावर होती है, सही है, इसका मतलब ये ए की जगह पे बैठा है और ये एक्स की जगह बैठा है। आप में से किसी को बस ये फंडा याद आ जाना चाहिए कि फंडा क्या है, किधर जा रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि समेशन में एनसीआर है ना ए की पावर एन माइनस आर और एक्स की पावर आर का मतलब इनडायरेक्टली ए प्लस एक्स की पावर एन होता है। हम यहां से यहां तो कई बार आते हैं लेकिन आज इसमें उल्टा जाना पड़ रहा है। अगर आप उल्टे चले गए तो आपको पता चलेगा आप ढूंढ रहे हो एक्स टू द पावर 53 का कोफिशियंट इन, ये अपने आप में ए प्लस एक्स की पावर एन, एन की जगह कौन है 100, तो पावर में तो आ गया 100। ए की जगह कौन है एक्स माइनस 3, राइट है, प्लस और पीछे एक्स की जगह, ये तो ए की जगह ना, और एक्स की जगह कौन है 2। तो क्वेश्चन वाला इनडायरेक्ट वे में एक्स टू द पावर 53 का कोफिशियंट पूछ रहा है इन एक्स माइनस 1 की पावर 100। कितना आसान क्वेश्चन है। अब हमारे को पता है कि जब भी कोई किसी का कोफिशियंट पूछता है हम रेफर कर देते हैं उसे किसकी और, टी आर प्लस 1 की तरफ। लेट टी आर प्लस 1, ठीक है ना, हैज एक्स टू द पावर कितना 53। हमने कह दिया टी आर प्लस 1 के पास एक्स की पावर 53 मिलेगा। अब आप टी आर प्लस 1 को जो जो भी जानते थे वो टी आर प्लस 1 में चले गए। सबको पता है टी आर प्लस 1 का मतलब 100 cr, राइट है ना भाई। एक्स की पावर कितना, इसको देख करके एक्स की पावर 100 माइनस आर दिख रहा है, और माइनस 1 की पावर कितना आर। आज के दिन मैं चाहता हूं एक्स की पावर कितनी हो जाए 53, ठीक है ना। सो मैं इसको देखते ही डिसाइड करता हूं कि 100 माइनस आर आप बन जाओ 53। अगर आप 53 बन गए तो आर इजिकल टू कितना हो जाएगा 153 हो जाएगा, सही क्या। सोच के बोलना, सोच के नहीं, बिल्कुल 47। आपके बोलते ही मैं आपको बहुत बुरी तरह पकड़ लेता, क्योंकि अगर आपने 157 पे हाँ कर दी होती 153 पे तो मैं कहता भाई आज तक जिंदगी में आपको नोबेल प्राइज मिलेगा मलाला के बाद, ठीक है। 100 cr 153 निकालने की जिम्मेदारी आपकी, ठीक है ना। हाँ तो समझना भाई, आर इज गड़ू कितना निकला 47, और अगर आर इज गड़ू 47 निकल गया तो कोफिशियंट कौन सी बड़ी बात है, एक्स को छोड़ के बाकी सब कोफिशियंट होता है। तो कोफिशियंट हो गया 100 cr, आर की जगह कितना 47 और माइनस 1 की पावर, याद है ना, माइनस 1 की पावर 47। सो आंसर आ गया माइनस, है ना, माइनस में कितना 100 cr 47, दैट्स इट, इतना सा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन करता हूं, ठीक है, फटाफट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। फटाफट से लिखिएगा, ठीक है,
सबसे पहले लिख लिया, पहला पॉइंट पे आ जाओ फटाफट से। फर्स्ट पॉइंट, इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल फाइंड पी प्लस अंडर रूट क्यू टू द पावर एन और अंडर रूट पी माइनस क्यू टू द पावर एन टाइप क्वेश्चंस। This or this type of questions. Second point लिखेगा, ठीक है? Remember, p plus root q to the power n, ठीक है? Remember, p plus under root q to the power n, you need to think. You need to let, think नहीं, let, ठीक है ना, p minus root q to the power n, इसके लिए आपको इसे मानना है। अगर क्वेश्चन ऐसा है तो आप इसे अज्यूम करेंगे, ठीक है ना, एड फॉर, ठीक है ना, अंडर रूट p minus q to the power n, you need to let अंडर रूट पी प्लस क्यू टू द बार एन। एक एक बात मैं जो बोल रहा हूं लिख के दे रहा हूं, मैं लिख के जो मैं क्वेश्चन के अंदर बात करूंगा सब लिख के दे रहा हूं, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ठीक है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन है ऐसा सोचना है, ऐसा क्वेश्चन हो ऐसा सोचना है, लिख लिया। पॉइंट नंबर थ्री, ठीक है, पी प्लस रूट क्यू टू द बार एन इक्वल टू आई प्लस एफ ऑलवेज, लिख लो ऑलवेज, वेयर आई के नीचे लिख लेना आप लोग, राइट है ना भाई, जो आई है इसके नीचे लिख लेना इंटीजर, इंटीजर बस ऐसे, ठीक है ना, और इसके नीचे लिख लेना फ्रैक्शनल, ठीक है ना, इंटीजर एंड फ्रैक्शनल, ठीक है ना, और आगे लिख लो इफ, अगर p प्लस रूट क्यू की पावर n कुछ इंटीजर और कुछ पॉइंटों में है, कुछ इंटीजर और कुछ पॉइंटों में है, जैसे किसी का आंसर 3.42 है तो तीन उसमें इंटीजर पार्ट है और 0.42 उसका फ्रैक्शनल पार्ट है, देन If then p minus under root q to the power n is equal to f dash only, is equal to f dash only fractional part, लिख लिया। हाँ भाई, अच्छा पॉइंट नंबर चार, ठीक है ना, फॉर पी प्लस रूट क्यू टू द बार एन, ठीक है, वी अज्यूम पी माइनस अंडर रूट क्यू टू द बार एन एंड, है ना, एड देम, सब्ट्रैक्ट देम एंड सब्ट्रैक्ट देम, ठीक है ना, और ब्रैकेट में लिख देना सी एग्जाम्पल, फॉर अंडर रूट पी प्लस क्यू टू द बार एन, ठीक है ना, अंडर रूट पी माइनस क्यू टू द बार एन, ठीक है ना, वी अज्यूम अंडर रूट पी प्लस क्यू टू द बार एन एंड एड देम, एंड एड देम, ठीक है,
हाँ भाई थोड़ा सा है ना दिमाग हिलाने वाले टाइटल हैं, ठीक है, लेकिन उम्मीद है आप कहीं संभाल लेंगे, कोशिश करना। क्वेश्चन को देखिएगा, किसी ने कहा है फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ, ठीक है, अंडर रूट टू प्लस एक की पावर सात, अंडर रूट टू प्लस वन टू द पावर सेवन, ठीक है भाई, और ध्यान से धीरे धीरे देखते हो चलना। देखिए साहब पहली चीज सिखाता हूं, क्वेश्चन अंडर रूट टू प्लस ये वाला है, ठीक है ना भाई, इसका मतलब ऐसी वाली फोटो है, अगर ऐसी वाली फोटो है तो आप उसका उल्टा सोचेंगे, अगर ऐसी वाली फोटो है तो आप उसका कॉन्जुगेट सोचेंगे, कॉन्जुगेट, ठीक है ना भाई। अब देखिए सर ना बहुत ध्यान से, रूट टू प्लस वन की पावर सात का मतलब क्या है सुनना, हर किसी बच्चे को पता है अंडर रूट टू का मतलब होता है 1.41, उसमें अगर एक जुड़ गया 2.41, 2.41 की पावर सेवन अगर मैं बनाऊंगा तो 2.41 की पावर सेवन माने 2 की पावर सेवन और बचे हुए की पावर सेवन वो अलग चलता रहेगा, हाँ या ना, माने जो भी आंसर आएगा 100% कुछ उसमें इंटीजर होगा और कुछ फ्रैक्शन वाला हिस्सा होगा, होगा। तो मैंने अपनी तरह से मान लिया लेट दिस इक्वल टू दिस, सबसे पहले आप ये अज्यूम करते हैं, है ना, और हाथों हाथ जैसे क्वेश्चन ये है वी अज्यूम उसका जस्ट उल्टा, क्वेश्चन अगर ऐसा है तो उसका जस्ट उल्टा अज्यूम कर लेते हैं, तो मैं इसका कॉन्जुगेट सोच रहा हूं, इसका कॉन्जुगेट होगा अंडर रूट टू माइनस वन, है ना, अपनी तरह से ये अज्यूम करा और उसकी पावर सेवन अपनी तरह से लगा लिया, ये मैंने अपने घर से लगाया है, घर से, समझ में आया आपको, हाँ अज्यूम करा है, ये सरकार दे रही है। अब आगे सुनना, अच्छे अच्छे बच्चे को बताया ये रूट टू है, रूट टू का मतलब 1.41, 1.41 में से 1 गया बचा कितना 0.41, 0.41 की पावर 7 पॉइंटों में ही रह जाएगा, नहीं आया समझ में, ये एक से बढ़ ही नहीं पाएगा, अरे और कम हो जाती है, जितनी डिग्री बढ़ाते हैं ना पॉइंट में, अगर कोई चीज हो जितनी डिग्री बढ़ाते हैं और छोटा हो जाता है भाई, भूल गया क्या, तो अगर 100% अपने को क्या दे डालेगा, फ्रैक्शन देगा, माने एफ डैश देगा, ये उससे अलग फ्रैक्शन है, इसलिए इसका नाम फ्रैक्शन एफ डैश लिखा है। अब मैं जब ये फ्रैक्शन बता रहा हूं तो फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसे कोई संख्या जो जीरो से एक के बीच में हो, ना तो जीरो हो ना एक हो, बल्कि वो 0.9, 0.93, 0.87, 0.821 ऐसी कोई पॉइंटों में कोई संख्या। उसी प्रकार से मैं इस एफ डैश के बारे में भी दुनिया को क्या बताऊंगा कि भाई एफ डैश आप भी एक और जीरो के बीच पाए जाते हो, और जैसे ही मैं ये सोचूंगा अब मेरा अगला स्टेप क्या करता है, अगला स्टेप है कि मैं इसको या तो इसमें जोड़ू या इसमें से घटा दूं। तो मैंने लिखा है कि अगर बाय द वे पी प्लस रूट क्यू प्लस का क्वेश्चन हो तो आप माइनस वाला अज्यूम करोगे और उन्हें घटा दोगे, लिखा है ना, तो आप इसको घटा दीजिए, जैसे आप इसको घटाएंगे तो इधर का इसमें से घटेगा, तो मैं यहां लिखता हूं कितना रूट टू प्लस वन की पावर कितना 7, माइनस में कितना रूट टू माइनस वन की पावर 7, राइट है, इज इक्वल टू में इसमें से जिस दिन मैंने ये घटाया तो ये हो जाएगा आई प्लस एफ माइनस एफ डैश, और जैसे ही होगा ये वाली पार्टी अलग गिर जाएगी, ये अपने आप को तब्दील करेगी किसमें, ये कहेगी एक मिनट भैया एफ आप कहां से कहां में हो, जीरो से एक के बीच में, आपके आगे माइनस लगवा रहे हैं, वो चीखता चिल्लाता रह जाएगा क्यों किस लिए, है ना, लेकिन माइनस लग जाएगा, माइनस लगते ही जीरो का जीरो रह जाएगा और ये माइनस वन हो जाएगा, और आपको पता है जैसे ही माइनस लगेगा साइन उल्टे हो जाएंगे, उल्टे हो जाने के चक्कर में ये माइनस वन इधर दिख रहे हैं, नहीं है समझ में, अरे आप इसका उल्टा माइनस एफ डैश कैसे लिखते, माइनस वन और यहां जीरो लिखते ना, जैसे माइनस लगाते साइन पलट जाते, अब साइन पलटने में आप क्या कहते हैं माइनस एफ डैश बड़ा है माइनस एक से, देखो यहां पर भी वही लिखा है, वही चीज ये यही चीज यहां लिखे, देखो आप दिख रहा है आपको जो यहां लिखा है वही यहां लिखा है ना, नहीं है। अब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, अगर मैंने जोड़ा तो आप बताओ क्या आएगा, एफ माइनस एफ डैश इधर कितना आएगा जोड़ने पे, उधर देखो कितना आएगा, माने एफ माइनस एफ डैश कहां से कहां के बीच, माइनस वन से वन के बीच होगा। अब चुपचाप सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, अब इसको देखो, मन की आंखें बंद करो और सोचो ये कैसा लिखा है, ए प्लस बी, दिख रहा है, देखो ये क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी, और ये क्या लिखा हुआ है ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस
ए माइनस बी, क्या क्या कट रहा है बोलो, ए ए कट रहा है, क्या बच रहा है, टू बी, लिख दो टू बी एक बार, टू बी, टू बी का मतलब टू, बी बड़ा वाला है ना भाई, बी क्या था, इवन टर्म्स या ऑड टर्म्स, इवन टर्म्स, इवन टर्म्स का मतलब सात है, तो कितनी इवन टर्म्स खुलेंगी, चार, कौन कौन सी, पहली टी टू, अगला टी फोर, अगला टी सिक्स, अगला टी एट, इज इक्वल टू में ये अपने आप में आई प्लस एफ माइनस एफ डैश चल रहा है, चल रहे दो भाई, अब जरा उधर थोड़ा सा इसको उधर सरका लो भाई, इधर आ जाए यार थोड़ी जगह कम है, ठीक है, अब जरा समझना, टी टू, टी टू का मतलब बोलो ना कितना लिखो, सेवन सी, सेवन सी वन है ना भाई, टी टू, इसका टी टू बताने वाले आप है ना, इसका टी टू बताओगे, बताओ साहब, टी टू में क्या लिखू, टू की पावर रूट टू की पावर, बहुत बढ़िया, सिक्स, अगले पे बोलो वन की पावर कितना, वन की पावर वन, अगला टी टी फोर बोलो, टी फोर, सेवन सी थ्री, इंटू में रूट टू की पावर बोलो, फोर, बहुत खूबसूरत, वन की पावर बोलो थ्री, बहुत ही बढ़िया, अगला बोलो सेवन सी, सेवन सी फाइव, बहुत ही शानदार, रूट टू की पावर बोलो टू, रेट भाई वन की पावर बोलो फाइव, अगला बोलो टी एट कितना, सेवन सी सेवन, रूट टू की पावर कितना जीरो, और वन की पावर कितना सेवन, हाँ या ना, और इक्वल टू में आई प्लस एफ माइनस एफ डैश, यहां तो कोई दर्द, अब जल्दी सोच के जवाब देना, जल्दी सोच के जवाब देना, क्या आपको बताए ये इसको काटेगा, यहाँ थ्री रह जाएगा, हाँ या ना, अच्छा बताओ यहाँ कितना रह जाएगा, दो, काट दो इसको, यहाँ दो रह गया, यहाँ एक, काट दो इसको, एक रह गया, कितने लोगों को बताए, दो की पावर तीन, आठ, आठ इंटू सात छप्पन है कि नहीं, पक्का ना, पक्का श्योर, तो यहाँ पे कितना लिख दो, छप्पन लिख दो भाई, 56 लिख दिया, प्लस अगले बार जाओ, सेवन सी थ्री, सेवन सी थ्री माने सात छ पांच बटा छ, पैंतीस, श्योर पैंतीस, अच्छा टू की बार टू फोर, पैंतीस इंटू चार, जल्दी सोचो, 140, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत जा रहे हो, 140, अगले बार जाओ, सेवन सी फाइव माने सात सी, सात सी दो, बहुत बढ़िया, सात सी दो माने सात छ बटा दो, 21 लिख दो भाई, 21 लिख रहा हूं भाई, 21 इंटू टू, बहुत बढ़िया, कितना लिख दो, 42 लिख दो भाई, 42 और बढ़िया, और आगे चलो, सात सी सात, सात सी सात माने एक, रूट टू की पावर जीरो, एक, अरे एक, एक की पावर कुछ भी एक, तो एक लिख देता हूं, है ना भाई, और बराबर में क्या चल रहा है, आई प्लस एफ माइनस एफ डैश, सही है ना भाई, अच्छा इंटू बाहर सबके क्या है दो, वो भी तो चल रहे हैं, एक बार एक बार, 140 है ना, और ये 43 183 183 और 56 183 और 56 189 239 239 239 इंटू टू 478 बिल्कुल 478 कर दो क्या, हमें लास्ट पॉइंट पे पहुंच गया, 478 इज इक्वल टू कितना, आई प्लस एफ माइनस एफ डैश, अब रुक के सोचना, ये कौन है इंटीजर, ये कौन है इंटीजर, में क्या जुड़ा होगा कि इंटीजर आए, इंटीजर में इंटीजर जुड़ने पे इंटीजर आ सकता है, इसका मतलब 100% एफ माइनस एफ डैश को एक इंटीजर देना पड़ा होगा, और सोचो एफ माइनस एफ डैश खुद गांव से गांव के बीच में खड़ा है, माइनस वन से वन, क्या वो माइनस वन को छू सकता है, क्या वो वन को छू सकता है, इसका मतलब माइनस वन से वन के बीच कितने इंटीजर होते हैं, एक, कौन सा जीरो, इसका मतलब एफ माइनस एफ डैश जीरो है, कहानी पकड़ में आएगी नहीं, ये एक इंटीजर, ये एक इंटीजर है ना, बराबर में क्या है इंटीजर, हाँ या ना, तो ये प्लस में अगर मैं इसे एक्स मान लेता हूं, तो एक्स प्लस इंटीजर इंटू इंटीजर, तो एक्स को इंटीजर होना चाहिए, एक्स इंटीजर होना चाहिए, कहानी पकड़ में आई आपको, इसका मतलब ये कि ये एक ही इंटीजर है, इसके पास में होने के लिए जीरो, जा बेटा क्योंकि तू माइनस वन से वन के बीच में खड़ा है, माइनस वन से वन के बीच में इंटीजर कहां से लाएगा तू, एक ही आएगा, इसका मतलब 478, और अगर 478 तो ध्यान से सोचना, ध्यान से ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ दिस, ये माने ये, और आज आई की वैल्यू कितनी निकल गई 478, अब रुकना कहानी बाकी अभी है ना, इसका मतलब ये है कि रूट टू, अरे ये संघ बजाने लग गया है ना, हाँ भाई अब आप देखना जरा, रूट टू प्लस वन की पावर सेवन इज इक्वल टू में आई प्लस एफ था ना भाई, आई की जगह मैंने 478 घुसा दू प्लस एफ, रेडी ये देखना, रूट टू प्लस वन की पावर कितना आ रहा है सेवन, मेरे से किसी ने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देता हूं, यहां पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देता हूं, लगा दू, कितने लोगों को ध्यान है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा किस और भागता है लेफ्ट, तो बताना जरा, 478 से थोड़ा सा भी बढ़ गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां लगाएगा वापिस,
478 एक मिनट आप में से कई को पता ही नहीं चला, कुछ भी बोल दिया 478 ये 479 यहां बीच में कहीं खड़ा है 478 प्लस एफ, एफ माने पॉइंटों में कुछ है। जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा लेफ्ट मांगेगा, लेफ्ट में कौन है 478, इसलिए इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 478 है। कहानी पकड़ में आई? हाँ एक मिनट दोबारा हाँ भाई नहीं पूरा बस एक बार दोबारा, पहले इन समझ में इसको ये मानते हैं, इसी कारण इसका जस्ट उल्टा लेते हैं, वो एफ डैश होता है हर बार, फिर मैंने इसमें से इसको घटा दिया, घटाया ये बन गया, तब तक इसका चरित्र चित्रण कर दिया कि एफ हमेशा जीरो से वन के बीच पाया जाता है, एफ डैश भी जीरो से वन के बीच पाया जाता है ना, क्योंकि घटाने पे ये आने वाला था इसलिए इसका भी माइनस कर दिया, एफ माइनस एफ डैश माइनस वन से वन के बीच में लगा के छोड़ दिया कि चलो बस बहुत हो गया इधर आ जाओ, ठीक है ना। इधर क्योंकि इसकी फोटो ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी जैसी थी इसलिए टू बी बन गया, टू बी बनने के बाद में टू बी का मतलब होता है टू टी टू से लेकर टी एट तक, टी टू टी से टी एट तक का मान मैंने यहां रख दिया, इन सबको जोड़ा ये मिल गया 478, 478 बराबर आई बराबर प्लस में एफ माइनस एफ डैश आ गया, है ना, ये एक इंटीजर था 478 एक इंटीजर था, इंटीजर प्लस समथिंग इज इक्वल टू इंटीजर है, वो समथिंग क्या हो सकता है इंटीजर, इसलिए इसने इंटीजर होना कबूल किया, इंटीजर होना कबूल करते दुनिया ने इसको इसकी पुरानी बातें याद दिलाई, बेटा तेरे को याद है ना तू माइनस वन से वन के बीच में होने का दावा करके आया था, तो उसके बीच में एक इंटीजर हो सकता था कौन सा वाला जीरो, तो बेचारे को जीरो पे हां भरनी पड़ गई, इसका मतलब इंटीग्रल वैल्यूज कितनी आ गई 478, इसकी आई की वैल्यू 478 आते ही यहां पे दुनिया ने कहा जयकारो बोलो, ठीक है सबको याद आ गया 478 प्लस एफ, ठीक है ना, 478 प्लस एफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला क्योंकि क्वेश्चन में तो मांगा वही था लगाया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ने इसको बाई और पटक दिया 478 में, तो आंसर 478 हो गया। मिटा दू, मिटाओ मान के चल लो, आप क्या कर रहे हैं, मेरे को पता है अगर मैं मिटा दिया तो दिल पर तलवारें चल जाएंगे होंगे कि भगवान इतनी देर तक मैं कहीं कहीं सोचता रहा क्या क्या सोचता रहा, ठीक है, और जब लिखने का समय आया हाँ जी साहब क्वेश्चन है अपने पास में, ठीक है ना, क्वेश्चन कहता है इफ एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, इफ एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन इंटीजर पार्ट ऑफ ठीक है ना, कितना 3 प्लस √7 की पावर एन इज एन ऑड इंटीजर, ठीक है ना, प्रूव दैट, माने जैसे मेरा आंसर इसका 478 आया ना तो 478 पॉजिटिव सॉरी ऑड नंबर है या इवन नंबर है, इवन नंबर है ना, ऐसे मेरे को ये प्रूव करना है कि इसका आंसर एक ऑड नंबर होगा, राइट है, अब जरा समझना, इसका आंसर एक ऑड नंबर होगा माने इसका इंटीजर पार्ट, इंटीजर पार्ट माने ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, समझ रहे हो बात को, इंटीजर पार्ट माने आई, फ्रैक्शनल पार्ट माने एफ, नहीं आया समझ में, है ना, अब रुको जरा एक मिनट क्योंकि आप ये पूरी तरह से अब जाके आपको समझ में आएगा, असली कहानी तो यहां से चालू हुई है, तो पहला काम 3 प्लस √7 की पावर कितना n को मैं अपनी तरह से क्या बोलूंगा i प्लस f, जहां पे f की वैल्यू कहां से कहां के बीच होगी 0 से 1, कहानी पकड़ में आई, फिर आप इसका क्या अज्यूम करोगे, याद है 3 माइनस √7 की पावर n, हाँ है ना, अच्छा ये अपने आप में क्या देगा एफ डैश, और आप दुनिया को क्या बताओगे कि एफ डैश कहां से कहां के बीच है भाई 0 से 1 के बीच, अच्छा याद है ना, हाँ मैं जानबूझ के इसे ऐड करूंगा, बैठे कि नहीं ऐड करूंगा क्या है कि नहीं, जर, नहीं रुको रुको रुको, देखो जरा इसको फोटो देखो फोटो, इस वाले में क्या किया था सब्ट्रैक, इस वाले में क्या किया था सब्ट्रैक, तो उस वाले में जिसमें अंडरूट पीछे उसमें ऐड करूंगा, बैठे भाई मैं ऐड कर रहा हूं ऐड, अगर मैंने ऐड कर दिया तो सोचो जरा ये लिखा क्या है 3 प्लस √7 की पावर है, और मैं तो बाद में अभी आपको एक और बताऊंगा कि आप कभी भी ऐड और सब्ट्रैक को है ना रटो मत, समझो तब आपको समझ में आएगा, मान लीजिए आपने ऐड कर दिया तो ऐड करने पे क्या हो गया आई प्लस एफ प्लस एफ डैश हो गया, आपकी मन की आंखों ने गड़बड़ देख ली कि यार पिछली बार माइनस करा था आपकी बार प्लस करा दिया, तो सोचो जरा अगर आपने इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये बन जाएगा एफ प्लस कितना एफ डैश, बताओ जरा ये दोनों भी ऐड होंगे कितने बन जाएंगे 2, और ये दोनों कितने बन जाएंगे 0, बहुत ध्यान से ये बात आपने यहां पे अधूरी छोड़ दी है, अब आप आगे जा रहे हो,
वही पुराने वाला फंडा चल रहा है, मेरे साथ रहना है ना भाई। अच्छा अब जरा इसको समझाओ, इसको अगर बाय द वे इसको देख पा रहे हैं, एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, हाँ या ना, ये अपने आप में इनडायरेक्टली क्या दे रहे हैं, ए प्लस बी, ये कितना दे रहे हैं, कटने के बाद बीबी कट गया, क्या बच गया, टू ए, टू ए का मतलब टू इंटू ए, ए का मतलब बोलो टू इंटू में आठ, आठ का मतलब बोलो कितना, टी वन प्लस टी थ्री प्लस टी फाइव एंड सो ऑन होता रहेगा, है नहीं भाई, जहां तक भी होगा उससे कोई मतलब नहीं, अपनी तरफ से अपने आंसर में चिपका रखा है आई प्लस एफ डैश, आगे चलो दौड़ करके सुनना, किसी भी चीज की दो से गुणा हुई तो क्या देगा, ये कुछ भी हो, ये इवन या ऑड कुछ भी हो, इवन या लिख रहा हूं बकायदा, या ऑड कुछ भी हो, इंटू टू हो रहा है कि नहीं हो रहा, इंटू टू हो रहा है तो ये दे रखा है आई प्लस एफ डैश, दे रखा है कि नहीं दे रखा, तो ये 100% क्या देगा, दो से गुणा होते ही इवन देगा, इवन yes, अरे नहीं आया समझ में, yes, दो से किसी की गुणा कर दो इवन आएगा, नहीं आया, अगर ये इवन आएगा तो इवन बराबर दे रखा आई प्लस एफ डैश, सही है कि नहीं, अच्छा कितने लोगों को पता है एफ प्लस एफ डैश, सुनना इवन क्या देगा, इवन क्या है, इवन क्या है, इवन इंटीजर है, इसका मतलब इंटीजर में कुछ जुड़ा, इंटीजर प्लस कुछ, हाँ है ना, बराबर क्या दे रखा है, इंटीजर, इसका मतलब कुछ क्या है, कुछ क्या हो सकता है, इंटीजर, अरे इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर होता है ना, इसका मतलब कुछ को क्या होना पड़ेगा, इंटीजर, इसका मतलब एफ प्लस एफ डैश को इंटीजर होना पड़ेगा, हाँ है ना, इंटीजर होना पड़ेगा, सही है ना, अगर इसे इंटीजर होना पड़ गया तो सोच के देखो एफ प्लस एफ डैश खुद कहां से कहां के बीच है, जीरो से दो, जीरो से दो के बीच कौन इंटीजर आता है, एक, हाँ है ना, इसका मतलब ये कि एफ प्लस एफ डैश क्या होगा, एक होगा, एक और कोई रास्ता ही नहीं है इसके पास, और अगर ये एक हो गया तो इसका मतलब सोचो जरा, इवन, इवन बराबर कितना है ना, इंटीजर प्लस वन, तो इंटीजर बराबर कितना, इंटीजर बराबर कितना बोलो, इवन, इवन माइनस वन बोले तो ऑड, और यही तो प्रूव करना था कि ऑड इंटीजर आंसर आएगा 100% हर बार, कोई तो प्रूव करना था कि ऑड इंटीजर आएगा, उसने कब कहा था आंसर लाओ, अब तो ये प्रूव कर दो ऑड इंटीजर है, अरे मैं सुनो मेरी बात, वापिस वही याद आता हूं, अंडर रूट के साथ में आप एड या सब्ट्रैक्ट नहीं सोचे, मैंने लिखवा जरूर दिया है ताकि आपकी चीजें मिल जाए, लेकिन ये क्या थॉट है वो थॉट समझा देता हूं, देखो इस वाली कहानी में अगर मैं टू बी नहीं लाता, माने मैं घटाता नहीं तो टू बी नहीं आता, टू ए आता, आता ना, अगर ये टू ए आता तो आप यहां टी वन लिखते, यहां टी थ्री लिखते, यहां टी फाइव लिखते और यहां टी सेवन लिखते, अगर आप यहां टी थ्री लिखते तो टी थ्री का मतलब होता है सात सी दो, हाँ है ना, सात सी दो से रूट टू की पावर कितना हो जाता, पांच, और अंडर रूट दुनिया में रह जाता, हाँ है ना, और अगर अंडर रूट दुनिया में रहता था तो ये इंटीजर वैल्यू नहीं मिलती, नहीं आया समझ में, तो इंटीजर वैल्यू तभी मिल सकती थी जब इन दोनों के बीच का अंतर इवन आ जाए, और ये इवन तभी आ सकता था जब ये नीचे वाला ऑड हो, समझ में आया, ऑड होगा तो ही ऑड माइनस ऑड एक इवन दे देगा, वरना दे ही नहीं सकता था, तो मेरे पास में एक ही स्ट्रेटेजी बचती थी कि मैं क्या करूं, घटाऊं, क्योंकि घटाऊंगा तो टू भी आएगा, असली कहानी तो यहां है, बाकी तो हम बच्चे को रटाने बेटा देख तो ऐड कर लेगा, ऐसा हो तो वैसे मैं सब्ट्रैक्ट कर लेगा, बाकी असली कहानी यह है कि वहीं बैठ के सोचा कर, करना क्या चाहता हूं मैं, है ना, हालांकि मेरे को पता है थोड़ा दुखदाई खेल है, लेकिन है ना ये दुखदाई नहीं है, मानिए मेरी बात, दुखदाई तो अभी आने वाला है, उसके बाद देखना हर तरफ की जनता त्राही माम करेगी, सब तरफ की जनता, अरे क्या पढ़ा रहे हो, क्या हो गया तुम लोगों को, हैं? रहम करो, रहम,
हाउ मेनी कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द बार आर इन दिस? हाँ भाई, कितने लोगों को याद आ गया ये लिखते लिखते? जीपी याद आ गया? जीपी, अगर जीपी याद आ गया तो पहली चीज पूछता हूं, कितने लोगों को याद आ गया? सीआर, सीआर बोलो। सीआर माने क्या होता है? कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं? अरे सेकंड में फर्स्ट का भाग लगा करके, सेकंड में फर्स्ट का भाग लगाता हूं, बोलो क्या आएगा? कॉमन रेशो बोला आप तो डायरेक्ट इसका, इसमें मन की आंखों से भाग लगाओ, भाग आप लगाओगे देखो उधर, नहीं भागने लगा परे। अरे इसको इसके नीचे रख दो, रखते ही 2 + x^n-1 इससे कटेगा, n-1 कटेगा, नीचे 2 + x रह जाएगा। फिर भी एक बार बच्चों की तरह करके देख लेते हैं, n-2 ऊपर रह गया कितना? 3 + x बटे में भैया नीचे कितना हो गया भाई? 2 + x^2 कितना? n-1। अगर मैंने इसे काटा तो नीचे पावर 1 रह जाएगी, किधर की पावर बढ़ी है, n-2 या n-1? n-1, तो नीचे एक जना रह जाएगा, एक का अंतर है ना, तो नीचे रह जाएगा 2 + x। तो कॉमन रेशियो हो गया 3 + x / 2 + x। कॉमन रेशियो क्यों निकाला? क्योंकि एक जीपी है, जीपी n टर्म्स की है, कैसे पता n टर्म्स की है? एक बार देखो जरा, n-1, 2 + x^2 कितना चल रहा है? n-1, फिर n-2, राइट है, और यहां आखिरी टर्म में 2 + x^2 कितनी है? 0। इसका मतलब 0 से लेके n-1 तक गई है गाड़ी, अगर 0 से लेके n-1 तक गई तो टोटल कितने टर्म होंगे? n टर्म्स की जीपी है, अगर n टर्म्स की जीपी है तो n टर्म्स की जीपी का सम कितना होता है बोलो? a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, a की वैल्यू बोलो, चलो हाँ भाई सम बोलो, सब सबका सम, a की वैल्यू बोलो 2 + x^2 कितना? n-1 इंटू में r, बोलो r, r ये लिख दो, हाँ भाई कितना लिख दो? 3 + x अपॉन कितना? 2 + x^2 कितना? n माइनस कितना? 1 अपॉन में नीचे बोलो क्या लिखू? कितना? 3 + x अपॉन में कितना? 2 + x, माइनस 1 कर दू क्या? लो साहब कर दिया, कितने लोगों को दिख गया एलसीएम? 2 + x, ऊपर क्या दिख रहा है? -2 - x दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 3 में से 2 गया 1, अच्छा x से x कट गया, बचा कितना रह गया? 1 / 2 + x, 2 + x ऊपर गया, कितना दिख रहा है ऊपर? 2 + x^2 कितना? n, नहीं आया, अच्छा ब्रैकेट में आ जाओ, नीचे तो 1 है, भूल जाओ उसे तो, अच्छा अंदर चलो, एलसीएम दिख रहा है, एलसीएम कितना बोलो? 2 + x^2 n, ऊपर की तरफ क्या क्या दिख रहा बोलो? 3 + x^2 कितना? n, माइनस में कितना? 2 + x^2 n, और नीचे की तरफ एलसीएम कितना दिख रहा था भाई? 2 + x^2 n, इससे ये कट गया, तो फाइनली ये सब हट करके कितना सा रह गया? 3 + x^2 कितना? n, माइनस में कितना? 2 + x^2 n, आपको क्या ढूंढना है? कोफिशियंट ऑफ x^2, इसमें ढूंढो या इसमें ढूंढो एक ही बात है, ये तो बराबर है ना, तो मैं लिख दूं क्वेश्चन असलियत में क्या है, कोफिशियंट ऑफ x^2 कितना? r इन दिस, समझ में आया? आपको इसमें कोफिशियंट ऑफ x^2 ढूंढना है, रेडी? अब धीरे धीरे सोचना, इसकी डिग्री बोलो, इसकी डिग्री बोलो, इसमें जब x^r आ रहा होगा तब उसमें भी x^r आ रहा होगा, तो दोनों का ओवरऑल कोफिशियंट ले लूंगा, हाँ या ना? नहीं आया समझ में? इसका पहला टर्म में x आएगा, दूसरे टर्म में x^2 आएगा, इसके पहले टर्म में x आएगा, दूसरे टर्म में x^2 आएगा, तो मैं धीरे धीरे सोचता हूं, मैं मानता हूं कि टी x^r किसमें आएगा, अपने को पता नहीं ना x^r किसमें आएगा, तो अपन क्या बोलेंगे? लेट x^r इज कमिंग इन, बोल दो tr+1 लिख दो, तो मैं मान लेता हूं लेट, ठीक है दैट टर्म, ठीक है ना, लेट दैट टर्म इज कितना? tr+1, अगर मैंने tr+1 बोल दिया, बहुत धीरे 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 जमाओ, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, याद है ऐसे 4 क्वेश्चन अपन पीछे छोड़ गए, आप ड्यू छोड़ गए मेरे पे, है ना, ये उसी सीरीज का क्वेश्चन है, x^r बोलो, हाँ साहब उसके अंदर पहले वाले टर्म में, इसमें tr+1 बोलो, इसका tr+1 बोलो, ncr कितना? 3 की पावर, बहुत बढ़िया, x^2 कितना? r, माइनस में दूसरे वाले का बोलो ncr, इसका बोलो ना भाई, इसका ncr,
कितना लिखो टू की पावर एन माइनस आर और इंटू में कितना एक्स टू दबार आर। तो बताओ साहब एक्स टू दबार आर का कॉफिशियंट क्या क्या हुआ, कॉफिशियंट बोलो कॉफिशियंट, कॉफिशियंट ये हुआ इधर कितना हुआ ये, तो मैं लिख दू ना कॉफिशियंट इज इक्वल टू कितना, कॉफिशियंट इज इक्वल टू एनसीआर थ्री की पावर कितना एन माइनस आर माइनस एनसीआर और यहाँ कितना टू की पावर एन माइनस आर। कुछ कॉमन आ रहा है क्या भाई, एनसीआर कॉमन ले लो अंदर क्या बचेगा थ्री की पावर एन माइनस आर माइनस कितना टू की पावर एन माइनस आर, बाकी लेट इट बी आंसर आ गया। माने मेरी सारी लड़ाई कहां थी देखो यहां तक थी, उसके बाद तो तीन लाइन में क्वेश्चन का आंसर आया मेरा आ गया है ना, धीरे धीरे आएगा। आइए अगले क्वेश्चन में बात करूंगा। हाँ भाई अभी एक और तरह का क्वेश्चन मुझ पे बाकी है, उस पर बात करनी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन है कॉफिशियंट ऑफ एक्स टू द बार 11 ठीक है इन एक्सपेंशन ऑफ ठीक है ध्यान से देखिएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 की होल पावर 6। आपने आज मेरे को बोला कि आपने इस तरह के क्वेश्चन नहीं कराए, इस पर बात करता हूं ठीक है। हाँ बोलो चले आगे है ना। हाँ देखिए साहब पूरी कहानी में चैप्टर का नाम क्या है, बाइनोमियल का क्या मतलब बताया था मैंने, दो टर्म, ये कितनी है ये कितनी है तीन, मेरे को तीन दिख रही है एक दो तीन, फोकस तो गड़बड़ नहीं हो गया ना। हाँ भाई कितनी टर्म है तीन, मेरे को बाइनोमियल थ्योरम अगर लगानी है तो मुझे दो टर्म सोचनी पड़ेगी, मेरा दिमाग मुझे इजाजत नहीं देता तीन के लिए खेलने की, मैं इसे दो करूंगा। आपको याद नहीं है मैंने आपको एक क्वेश्चन करा था वन माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब की पावर एन वाला, और मैंने इसे दो में बदला था है कि नहीं। अगर इसका ब्रेकेज पॉसिबल हो तो ब्रेक कर लो और दो टर्म बन जाएगी। फिर मैंने एक क्वेश्चन कराए थे आपको याद नहीं है आर वन प्लस आर टू इजिकल टू टू आर टू इजिकल टू फोर, फिर टेबल बनाया करते थे ये वही क्वेश्चन है घूम फिर करके। आपने मना कर दिया हालांकि आज के, नहीं सर इस तरह के क्वेश्चन नहीं हुए, लेकिन मैं फिर ले आया आपको, मैं दूसरे क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको वापस भेजूंगा कि नहीं मैंने कराए मैं फिर याद दिलाऊंगा ठीक है, लेकिन कुछ नया और डाल करके भेज दूंगा, ऐसा नहीं कि खाली भेजूंगा वापस। सुनना इसको समझने के लिए, क्योंकि इसे बाइनोमियल तभी लगेगी जब ये दो हो, तो मैंने जानबूझ करके इसका जनरल टर्म मंगाया है, इसका जनरल टर्म बोल दो, जनरल टर्म बोलो जनरल टर्म टी आर प्लस वन बोलो आप तो क्या सोचते हो सिक्स सी आर आगे बोलो पहला टर्म टू एक्स स्क्वायर की होल पावर सिक्स माइनस आर आगे बोलो एक्स माइनस थ्री की होल पावर कितना आर। अब मैं जानबूझ के इसे आर वन आर वन आर वन में बदल रहा हूं, अभी आपको कारण एक मिनट में समझ में आ जाएगा ठीक है ना भाई। अच्छा सिक्स सी आर को सिक्स सी आर वन ही लिखा, इसको लिख दिया टू की पावर कितना छह माइनस आर वन, और यहां एक्स की डिग्री मैंने कर दी है बारह माइनस दो आर वन चलेगा। हाँ भाई अब ये फिर से बाइनोमियल लगेगी, देखो दो जने फिर से खड़े, अगर यहां फिर से बाइनोमियल लगेगी तो बाइनोमियल का जवाब आप दे रहे हो, मेरे को जवाब दो मैं क्या लिखूं आर वन सी आर टू बहुत खूबसूरत आगे बोलो एक्स की डिग्री बोलो आर वन माइनस आर टू क्या बात है, आप तो बहुत ऊंचा शॉट लगा रहे हो है कि नहीं, और माइनस थ्री की पावर कितना आर टू क्या ख्याल है, मतलब आपने आर वन पे भी वापस बाइनोमियल लगवाई कि एस कम तेज तेरी वापिस लगाएंगे आर से खेलूंगा मैं, एन से तो दुनिया खेलती है ही नहीं आया समझ में राइट है ना। कॉर्क की बॉल टूटी अंदर एक बॉल निकली उस बॉल से क्रिकेट खेला जा रहा है आप ठीक है ना। हाँ मजा तो उसी का ही है, इतना मारा उसको कॉर्क को कि इतना एक बॉल छोड़ गया वो, अब समझना आप ठीक है। अब समझो अगले पे ये वाली बात अगर आपको समझ में आई, एक्स के सारे लोगों को एक तरफ कर दो और बाकी लोगों को एक तरफ कर दो, सिक्स सी आर वन भैया आगे आ जाओ अच्छे लग रहे हो, टू की बार छह माइनस आर वन आप भी ठीक लग रहे हैं ठीक है, माइनस तीन की बार है ना आर टू आप भी ठीक लग रहे हैं, और आर वन सी आर टू आप तो बात ही अलग है ठीक है ना। एक्स की ओवरऑल डिग्री बता दो आप तो, एक्स की पूरी डिग्री अलग, एक्स के नाम पे एक एरा एक एरा बोलो कितना लिखो, आप बोलोगे वो लिख दूंगा बारह लिखो, आर वन की जगह क्या लिखो माइनस आर वन माइनस में कितना लिखो आर टू, और जल्दी बताना जब मैंने ये जनरल टर्म बना दी आप क्वेश्चन वाला मुझसे एक्स की कितनी डिग्री की उम्मीद करते हैं
कितने की 11. इसका मतलब ये कि अगला चाहता है कि 12 माइनस आर वन माइनस आर टू बराबर 11 सोचू. इसका मतलब मैंने आर वन आर टू को उधर ले गया. आर वन प्लस आर टू बराबर कितना हो गया 1. आर वन प्लस आर टू का 1 होने का मतलब होता है, याद आया टेबल, आर वन आर टू 0 1 1 0. क्या ख्याल है? अब रुकना दोबारा से. आर वन की वैल्यू 0 1 नहीं ले सकता. क्यों नहीं ले सकता? सुनना, अगर आर वन 0 हो गया तो ये 1 नहीं होगा. कहानी पकड़ में आ गई आपको? मना करवा दिया, ठीक है, और कारण बता दिया. ये है ना, जानबूझ के हम तीर लगा के छोड़ गया मैं. कारण पता चल गया आपको? है ना. अब आ जाओ जरा इधर. इसका मतलब 1 0 ले सकता हूं. अगर मैंने 1 0 ले लिया तो 1 0 लेते ही मेरे लिए बोलो क्या क्या पॉइंट आएगा, ठीक है ना. यहां पे कितना लोगों का कोफिशिएंट 61. बहुत खूबसूरत बात. 2 की पावर कितना? 6 माइनस 1 राइट है भाई. अच्छा, माइनस 3 की पावर बोलो कितना? माइनस 3 की पावर 0. आर टू है ना 0. अच्छा अच्छा, आर वन सी आर टू 1 सी 0. और एक्स की ओवरऑल पावर 1 और 0 रखते 11 हो ही रही है, है कि नहीं. और एक्स की बार 11 का कोफिशियंट बोलो क्या क्या आया? 61 इंटू में कितना? 2 की बार 5 इंटू में 1 समथिंग है ना भाई. तो कहने वाला 6 इंटू में 2 की बार 5 माने 32, माने कितना हो गया? 180 और 12 है 192. क्या ख्याल है? निकालना सीखे कि नहीं? एक कदम और आगे चल दिए. जीपी सिखा दी, ये सिखा दी, उधारी चुक रही मेरी धीरे धीरे, है ना. हाँ, ये जो जो भी मेरे तरफ ड्यू था मैं एक एक चीज निकाल रहा हूं वापिस, है कि नहीं. अगली बात, ये सब आज के लिए प्रोटोकॉल था. हालांकि मैंने चीजें जरूर दी थी कि आपको सोचने के लिए कि आप सोचोगे ना तो आपको बदलेगा, अरे ये भी नहीं हो रहा अभी तो मैं सही, ये भी नहीं हो रहा. कुछ चीजें आप जानबूझ के भी छोड़ दोगे, ठीक है. अगली बात, कॉफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 इन, यहां देगा 2 माइनस एक्स, प्लस में देगा 3x स्क्वायर की पावर 6. आप बोलो कैसे चालू करूं? ये अलग, ये अलग, क्या लिखूं बोलो? जनरल टर्म बोलो. 60 R1 2 माइनस एक्स की होल पावर 6 माइनस R1. क्या ख्याल है? इंटू में कितना? 3x स्क्वायर की पावर कितना? R1. आगे बोलो, इसके आगे, इसके आगे जाए क्या? देखो जरा, बोलो जरा, 2 माइनस एक्स की पावर में 6 माइनस R1. रुकना जरा, सुनना, 6 माइनस R1. अगर अपन ने ये खोल दिया, खोल देता हूं, है ना, फिर भी एक बार हिम्मत करके मैं आपके लिए चल भी देता हूं, क्योंकि मैं समझाऊंगा फिर आपको समझ नहीं आएगा, देखेगा तब समझ में. मान लो मैंने खोल दिया, 2 माइनस एक्स की बार कितना? 6 माइनस R1. खुलवाओ आप मेरे से, क्या कैसे खोलते हैं मेरे को नहीं पता. 6 माइनस R1 सी R2. बहुत खूबसूरत, हिम्मत करो, चलते चलो. आगे बोलो कितना? 2 की पावर कितना? 6 माइनस R1 माइनस R2. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. आगे बोलो, माइनस एक्स की होल पावर कितना? माइनस एक्स की पावर R2 इंटू में 3 इंटू में एक्स की पावर 3 इंटू में एक्स की पावर कितना? ना ना ना, मैं 3 की पावर अलग कर रहा हूँ, 3 धोखा देता है, ठीक है. 3 R1 और एक्स की पावर कितना? 2 R1. आया ना? एक्स की ओवरऑल पावर बोलो, एक्स की ओवरऑल पावर बोलो, R2 प्लस 2 R1. और एक्स की डिग्री कितनी ढूंढ रहा हूं मैं? 4. आओ साहब, कितना बोला आपने? R2 प्लस 2 R1 इज इक्वल टू कितना ढूंढा? 4. वैल्यू पुट करते हैं, R1 R2 रखो भाई. हाँ साहब, बोलो क्या क्या रखता हूं? अगर मैं यहां 0 रखता हूं, R2 की जगह अगर मैंने 0 रख दिया, सही ना भाई? R2 की जगह 0 तो R1 बराबर 2 है ना भाई. अगले बात आओ, R1 की जगह अगर R2 की जगह अगर मैंने 1 रख दिया तो नहीं होगा, है ना भाई, मना कर दिया. अगले बार बोलो, 2 रखता हूं तो, R2 की जगह अगर मैंने 2 रख दिया तो R1 की जगह 1 हो गया, राइट है भाई. अच्छा, अब मैं 3 रख सकता हूँ क्या? नहीं रख सकूंगा. अच्छा, मैं 4 रखता हूँ, अगर मैंने 4 रख दिया तो 0 हो गया, राइट है भाई. अब मैं तकलीफें देखता हूँ, मेरी तकलीफें देखने दो. तकलीफ कहां से देख सकते हैं? यहां से, राइट है. R1 की वैल्यू कितनी? 2. अगर मैंने R1 की वैल्यू 2 रखी तो 4C2 सही है. अगर मैंने R1 की जगह 2 रख दिया, है ना, एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया. R1 की जगह कितना रखा? 1. तो ये हो जाएगा 5C2 चलता है, है ना. R1 की जगह 0 रखा, तीनों चलेंगे, तीनों वैल्यू आएंगी. अरे देखा गया आप में से कितने लोगों ने मिलाया? मिला लिया ना, वैल्यूज पुट कर रहा हूं. हाँ सर, पुट करवाइए वैल्यूज. सो कॉफिशियंट इज इक्वल टू कितना आया? कॉफिशियंट इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? 6A. R1 की जगह कितना? R1 की जगह 2, R1 की जगह 2 है ना, और यहां पे कितना? 4C. R1 की जगह 2, 4C0, 4C0 राइट है. और 2 की बार कितना? 6 माइनस 2 माइनस 0, 6 माइनस 2 माइनस 0 राइट है. और यहां पे कितना लिखूंगा?
एक्स को दड़ा देता हूं, तीन की पावर कितना, तीन की पावर दो प्लस बैठे भाई, और एक माइनस भी तो आएगा, माइनस वन की पावर जीरो, माइनस वन की पावर जीरो, ठीक है ना भाई। अगले वाले में रखता हूं सिक्सटी वन, सिक्सटी वन, ठीक है ना भाई। और यहां पे अगर वन रखा और यहां पे कितना रखा है टू, है ना, तो यहां पे हो जाएगा फाइव सी टू, राइट है, टू की पावर छह माइनस एक माइनस दो, राइट है भाई। और यहां कितना हो जाएगा माइनस वन की पावर कितना, तीन की पावर, तीन की पावर एक इंटू में कितना माइनस वन की पावर दो, ठीक है। और प्लस अगला वाला आप कर लेना, कहानी पकड़ में आ गई नहीं, ये भारी से भारी कहानी भी अब आप संभाल रहे हो, धीरे 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 मैं आपकी तरफ टर्न करता रहा हूं भाई, तू संभाल, है ना। आर वन आर टू, अगर आपको ये चीज आ गई फिर आप आईआईटी से मत डरिए, आईआईटी का आपने पहला स्टेज पार कर लिया, आईआईटी से सबसे मुश्किल एक्ट इसमें मानती है, जो आर वन आर टू खेल रहे हो ना उसे वो सबसे भारी गेम मानती है, पहला एक्ट है, पहला एक्ट, उससे पहला एक्ट कौन सा था, खरगोश के बच्चे, वो सबसे तो उधर खेलिए, दूसरे नंबर पे आर वन आर टू पे खेलिए, तीसरे नंबर मैंने कहा जिसपे त्राइमा मच जाएगा उस पे खेलिए, ठीक है ना। लेकिन ये अगर आपको आ गया तो इसका मतलब आपने बहुत बड़ी बैरियर पार कर लिया, ठीक है ना। ये अभी भी बचा हुआ था, अच्छा थोड़ा सा उड़ा दिया मैंने, है ना। कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, ये अकलमंद बच्चों के लिए अप्रिशिएशन का, एक्स की पावर 50 इन क्वेश्चन में दे रखा 1 प्लस एक्स की पावर 101, ठीक है ना भाई। अच्छा यहां दे रखा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर में कितना 100, राइट है भाई। हां साहब अब आ जाइए मार्क करते हैं इस पर फटाफट, एक बहुत ही यूनिक जगह पे मैं आपको रोकूंगा, जो वाकई में आप मानोगे कि यार वाकई में अगर बाय द वे जल्दबाजी में देखे ना तो सोच में भी नहीं आता कि यार ये साला कौन सा स्टेप आ गया, ठीक है ना। देखना था पहला स्टेप है ना, बिल्कुल डिफरेंट है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, तो इसका मतलब इसके पास भी 100 है, हाँ है ना, वो 100 अलग करके इसमें घुसा दो, इसके पास छूट गया कितना एक, उसको पकड़ा रखो भाई तू तो रुक जा, बाकी 100 को उधर जान दे। 1 प्लस एक्स की अगर इससे गुणा हो गई तो आपको पता नहीं है 1 प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, आप में से किसी को अगर ध्यान नहीं हो तो अच्छा लगता है, बताते हो मुझे कि 1 प्लस एक्स इंटू में कितना 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इसे करो 1 प्लस एक्स क्यूब होता है। आप में से जिन बच्चों को ध्यान नहीं होने याद दिलाता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसे करो ए प्लस बी, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, वो फंडा मारा मैंने, क्या आप पकड़ पाए बात, है ना। मैं कहा था ना एक ऐसी चीज ना जो आपको स्ट्राइक नहीं करती, खैर छोड़िए आगे ही बात करता हूं। अच्छा अब दोबारा सुनना, अपने को कितना निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर कितना 50, है ना, 50 निकाला 50, इसको उल्टा लिख रहा हूं 1 प्लस एक्स क्यूब के होल पावर कितना 100, 100 ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरे को ठीक नहीं लग रहा, मैंने क्वेश्चन तो बराबर कॉपी किया, क्वेश्चन भी सही दिमाग लगाते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसे क्या मैं ऐसा लिखता हूं, x इंटू में 1 प्लस एक्स क्यूब की होल पावर 100, सोचो आप इसी स्टेप को जो यहां लिखा है, सुपर शॉर्ट लगाया मैंने, अगर आप संभाल जाओ तो क्या किया बता दो कैसे, अरे आगे वाले को खोल दिया, इसकी गुणा x से करी ये आया, इसकी गुणा x से करी ये आया, मुझे कितना चाहिए x की बार कितना 50, नहीं आया एक्स की बार 50, ध्यान से देखना मुझे एक्स की बार कितना चाहिए 50, सुना पहले खोलेगा तो देखना जरा, जिस दिन पहला टर्म खोलेगा उस दिन आप बोलोगे 100 सी जीरो, याद आया, है ना, और एक्स क्यूब की पावर जीरो, सोचो आप। दूसरा टर्म खोलेगा आप बोलोगे 100 सी वन और एक्स क्यूब की पावर वन, माने एक्स की पावर थ्री, माने या तो एक्स की पावर जीरो आया या एक्स की पावर कितना आया 3 आया। फिर अगला पद खुलेगा, है ना, कितना अगला टर्म खुलेगा 100 सी टू एक्स क्यूब की पावर 2, माने एक्स की पावर कितना आया 6 आया कि नहीं आया, इसका मतलब अगले टर्म खुलेगा एक्स की पावर 9, इसका मतलब 3 की 3 का पहाड़ा चालू हो जाएगा, उसमें कभी एक्स की पावर 50 आएगा क्या, नहीं आया, समझ में नहीं आया, आया या नहीं आया, एक्स की पावर 50 नहीं आएगा, नहीं नहीं आएगा, कहानी क्लियर है, इसने तो नहीं दिया एक्स की पावर 50, हो सकता है पास वाला देते, आ जाओ दिमाग लगाते हैं,
ये एक्स देगा, हाँ या ना, ये एक्स की बार जीरो देगा, वही है ना पिछला वाला, तो इसका मतलब ये क्या क्या दे देगा बोलो आप, एक्स की बार वन देगा, अगला वाला कितना देगा एक्स की बार चार देगा, एक्स की बार अगला वाला कितना देगा सात देगा, हाँ या ना, एक्स की बार अगला वाला कितना देगा ग्यारह देगा, इसका मतलब एपी चल पड़ी, हाँ या ना। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, धीरे 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 चलते हैं, एक सेकंड एक सेकंड, गिन लेते हैं गिन लेते हैं गिन लेते हैं गिन ले, हाँ या ना, एक बार जरा तीन के पहाड़े में गिनना है ना, कितने लोगों को याद है कि तीन के पहाड़े में पचास के सबसे नजदीक में कौन आएगा 48, उसके बाद कौन आएगा 51, हाँ या ना। इसका मतलब ये कि ये एक बढ़ा के भेज रहे हैं बाहर, बाहर से एक्स की गुणा हो रही मैंने एक बढ़ रहा है, हाँ या ना, तो ये एक्स की बार कितना दे देगा, एक्स की बार 49 दे देगा, दे देगा, और फिर उसके बाद एक्स की बार 52 देगा, कौन नहीं देगा, एक्स की बार 50 नहीं देगा, इसका मतलब एक्स की 50 पावर 50 नहीं देगा, और इसका मतलब एक्स की बार 50 आएगी नहीं, तो कोफिशिएंट इज इक्वल टू कितना हो गया जीरो। प्रश्न पकड़ में आया या नहीं आया आपको, है कि नहीं, एक्स की बार 50 नहीं देगा। कितने लोगों को समझ में आ गए, कहानी पकड़ में आ गई, श्योर है ना, तीन दिन का माने तीन लेक्चर का बायनोमियल थ्योरम विथ शीट डन हो जाएगा, जीरो पे लगा दूंगा आपके, है ना, आपको दोबारा वही सारे क्वेश्चन दोबारा दे रहा हूं जो आपने मेरी तरफ शिफ्ट करें, ठीक है ना, एक बार और ट्राई कर लेना, एक्स्ट्रा नहीं ट्राई करना, सिर्फ वही ट्राई कर लेना, दो ही बन जाए, मात्र दो भी बन जाए मेरी तरफ से थैंक यू है, ठीक है, दो के लिए ट्राई करना, कहानी पकड़ में आ गई, कौन कौन से दो, एक तो वो सीरीज वाले याद है वो जीपी सीरीज, वो तो जरूर करना, तीन क्वेश्चन है उसके, तीनों के तीनों ट्राई करने, कर लोगे, हाँ या ना, और एक ये पावर R1 R2 R3 वाले भूल गए क्या, कर लेना याद करके।